हे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? यार, मेरा नाम डॉक्टर लोकेश वाली है, फिर से हाजिर हो गया हूँ आपके सामने एक नए सवाल को लेके, नए प्रश्न को लेके। दोस्तों, बहुत सारी सवाल, बहुत सारी आपके बहुत बड़ा डाउट है कि यार, आप जैसे कि ड्यू के फॉर्म फिल हो रहे हैं इस समय, और मैंने इनफैक्ट वीडियो भी बना दिए हैं कई सारे, आप जाके उनको देख लीजिए कैसे फॉर्म फिल करना है, और आपको ये प्रपोजल वाला मैटर कैसे डालना है ये भी बना दिया है, जाके देखो, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचडी और एमफिल के स्टूडेंटों के बारे में। बहुत सी समस्या आ रही है लोगों को, कह रहे हैं कि यार, हमें पीएचडी करना चाहिए या फिर एमफिल करना चाहिए, क्या करना चाहिए, विच द बेस्ट। तो ये बड़ा गंभीर सवाल आ रहा था, तो मुझे लगता है कि वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करवा दूँ। तो यार, वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक कर दो इस वीडियो को, अभी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और भी आगे देता रहूँ। तो आओ यार, डीयू की सैर करा देता हूँ, बैठो गाड़ी में। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? मैं डॉक्टर लोकेश बाली, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कोई समय था, उस समय एमफिल करना हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा करता था, क्योंकि उसके नंबर ऐड होते थे, जैसे एमए के हो गए, एमफिल के हो गए, और हमारे जितने भी रिसर्च पेपर पब्लिक्स करवाएं उनके, तो हमारे सहायक प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर बनने में सहायता मिलती थी। लेकिन अब धीरे धीरे समय बदल गया है और चीज़ें बदल गई हैं, स्थिति परिस्थिति बदल गई है। उसके अकॉर्डिंग अब हुआ क्या है कि अगर आप पीएचडी करो वो ज़्यादा बेहतर है। मतलब आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में कहीं भी अगर पीएचडी में पहले दाखिला पीएचडी मिल रहा है, तो आप एमफिल को स्किप कर सकते हो और पीएचडी में दाखिला ले सकते हो। लेकिन डीयू और जेएनयू के मामले में ना उल्टा है थोड़ा सा। मैं हमेशा कहता हूँ यार, डीयू और जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में घुसने के लिए तो आपको फारसी सीखनी पड़े ना, तो वो भी सीख लेनी चाहिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ। और मैं ये भी कहता हूँ कि यार, यहाँ पर घुसने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े तो एक बार आ जाओ, क्योंकि आपने डीयू और जेएनयू से अगर आपने कोई भी कोर्स कर लिया, और खासकर पीएचडी और एमफिल किया है, तो मतलब आपकी नौकरी तो 99% को रोक नहीं सकता, क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज़ की वैल्यू हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। अगर आप, मैं कंपेयर करूँ, अदर स्टेट यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट अगर सहायक प्रोफेसर के इंटरव्यू देने जाए और जेएनयू को स्टूडेंट देने जाए, तो जेएनयू वाला चाहे बिल्कुल गधा है, वैसे होते नहीं है जेएनयू वाले कहते ओके, लेकिन फिर भी उसको प्रेफरेंस दी जाएगी बजाय दूसरी यूनिवर्सिटी वालों को, तो प्रेफरेंस वाली बात हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि अगर आप डीयू जेएनयू में अगर आपको एमफिल और पीएचडी दोनों बोथ वाला फॉर्म में अप्लाई करना, बोथ वाला ऑप्शन है वो वाला करना, आपको अगर पीएचडी में एडमिशन नहीं भी मिलता है तो इसमें कम से कम एमफिल में तो मिल जाएगा, और अगर आपने एमफिल में यहाँ पर एडमिशन ले लिया तो फिर अगली बार आपको पीएचडी में एडमिशन यहाँ पर आसानी से मिल जाता है। तो डीयू जेएनयू और खासकर आप जेएनयू के, डीयू के लिए तो आप मतलब यार, एमफिल में मिले या पीएचडी में मिले, आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है, मतलब लेना है, ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि यार मुझे एमफिल करना चाहिए, मुझे पीएचडी करना चाहिए, ऐसी आपकी कोई प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि आपको डीयू में घुसना है तो येन केन प्रकारेण श्याम दाम दंड भेंट सब कुछ चाहिए। और श्याम दाम का नाम लिया ना तो और भी बहुत चीज चलती है यहाँ पे, मुझे पता है ना, अंदर का आदमी हूँ मैं। और जो लोग मुझसे व्यक्तिगत रूप से सलाह लेना चाहते हैं, मतलब चाहे सिनोप्सिस के बारे में सलाह लेना चाहते हो, या फिर इनफैक्ट ये कहें कि यार इंटरव्यूज में कैसे अंदर का झोल क्या है उसके बारे में कुछ सलाह लेना चाहते हो, व्यक्तिगत रूप से मुझसे कभी भी फ़ोन पर बात करना चाहते हो, तो एक बैरियर क्रॉस करो, मैं आपको तरीका बताता हूँ क्या करना है आपको, फॉलो करो और करो। एक्चुअली जब मैं गाँव में था, पिछले 2 महीने से गाँव में था, तो मैंने एक फ़ोन नंबर प्रोवाइड करवा दिया था आप लोगों को कि यार, आप चाहो तो मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, मतलब वो इमरजेंसी के लिए कहा था कि यार, आप मुझे इमरजेंसी में फ़ोन कर देना। अब भावनाओं में बह गया और नंबर दे दिए। उसके बाद सच में 500 कॉल डेली के, मतलब 500 कॉल डेली आने लगे। तो स्टार्टिंग में तो मैं जोश जोश में आप लोगों की मैं सारे फोन अटेंड करने लगा, चाहे खा रहा हूँ ना रहा हूँ कुछ भी कर रहा हूँ तो फोन अटेंड करने लगे, लगा एक को समझाने में कम से कम 10 मिनट मेरी जाने लगे। एक समय ऐसा आ गया कि मैं ब्लास्ट हो गया कि यार, मैं पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए कॉल, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ और कॉल आ रहे हैं। तो फिर एक उसका समाधान निकाला मैंने, वो नंबर बंद कर दिया। क्या करूँ यार, मतलब सोचो कि यार पर्सनल लाइफ भी होती है। तो इतने कमेंट्स आए कि सर, हम आपको डायरेक्ट कॉल करके, हमारी इतनी कई बार इतनी इंक्वायरीज होती हैं, या क्योंकि कभी कभी ना कुछ चीज़ें ना सिर्फ आपको एक्सपीरियंस से गेन होती हैं, आपको कहीं वो मिलेगी नहीं, जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस से मुझे कुछ चीज़ें गेन हुई हैं। तो कुछ लोग परेशान हो गए कि सर, ये तो बहुत ही गलत हुआ कि आपने नंबर बंद कर दिए। तो मैं परेशान हो गया कि यार, जो लोग कुछ ऐसे ही मेरे पास कॉल करते थे अनर्गल, जो मुझे गप्पे लड़ाने के लिए कॉल करते थे, एंड मतलब कुछ भी छोटे छोटे बच्चे कॉल करते थे 10वीं क्लास में 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं कि सर मुझे पीएचडी करनी है और पीएचडी का प्रोसेस बताओ। अरे मेरे की भाई, तू बड़ा तो हो जाए यार, बड़ा हो जा, भी बच्चा है लगे। तो फिर मैंने किया क्या, एक छोटा सा बैरियर लगाया, उसमें एक बैरियर ऐसे लगाया कि फोन पे, गूगल पे एंड पेटीएम, यहाँ पर आप मुझे 200 रुपीज का पेमेंट करोगे। ये बैरियर है यार, इसकी मुझे वो नहीं है, मैं, भगवान ने दिया है, ऊपर वाले ने अच्छी शिक्षा दी है, अच्छा काम दिया है, सब बढ़िया,
बट ये बैरियर बहुत जरूरी है ताकि जो सच में जो लोगों की हेल्प की जिनको नीड है वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर पाए, इसमें कोई दोराय नहीं है। तो ये जो नंबर आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, आपको वन टाइम एक बार ही केवल मुझे 200 पे करने होंगे यहाँ पर, फोन पे, गूगल पे एंड पेटीएम, यहाँ पर आप मुझे पे कर दोगे। और यही जो नंबर आपको दिख रहा होगा इसी नंबर के व्हाट्सएप पर आपको इसका स्क्रीन शॉट लेके सेंड करना है। तो मैंने अभी क्या है कि तो मेरे पर्सनल नंबर जिसे आप डायरेक्ट कभी भी कॉल कर सकते हो मुझसे 24 आवर्स, पर मैं रात को सो जाऊँ उस समय मत करना है, 12 बजे के बाद तो मत करना, ठीक है? तो वो नंबर आपको प्रोवाइड करवा देगा वहाँ से। दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, एंड मैं सोच रहा हूँ कि दिन में 2 वीडियो बनाने की, सुबह और शाम। तो आप मुझे ना कमेंट सेक्शन में बताइए कि सुबह मुझे कितनी बजे वीडियो अपलोड करना चाहिए और शाम को मुझे कितने बजे वीडियो अपलोड करना चाहिए। हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, आप लाइक करने में ना बहुत बड़ी कंजूसी कर रहे हो। और मैं तो ये कहूँगा कि यार आप लाइक नहीं करते ना वीडियो को, तो मतलब आपको भला कैसे होगा जब आप इतना सा काम नहीं कर सकते। अगर कोई आदमी आपकी इतनी हेल्प कर रहा है और उसका वीडियो को लाइक तो नहीं करते, तो मतलब आप सोचो आप कितने नेगेटिव पर्सन हो, और नेगेटिव पर्सनों को कहाँ सफलता मिलती है। ऐसे मुस्कुराते रहा करो, अच्छा लगेगा। चलिए, जब तक रुको मत, थको मत, डटो मत, हटो मत। नमस्कार।